हेलो गाइस, वेलकम टू दीजी मेडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड के बारे में। 2019 में कुछ ऐसी मूवीज हैं जो कि तहलका मचाने वाली हैं और देन अपने ही मामले में एक अपना ही लेवल बनाएंगी, यानी कि VFX से लेके नई टेक्निक से लेके नए कंटेंट से लेके नई 3D 4D से लेके जो कि आपको हर तरीके से कुछ ना कुछ नया देने वाली है। तो 2019 मूवीज के लिए, मार्वल फैंस के लिए और मूवीज लवर के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। तो जिसमें कि बॉलीवुड भी हमारा पीछे कम नहीं है और हॉलीवुड तो ऊपर है ही है, बट एक चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि बॉलीवुड में अभी तक VFX इतना सफल नहीं रहा है। अभी हाल ही में रिलीज हुई है रोबोट, जिसका बजट काफी अच्छा रहा, जो कि मूवी 500 करोड़ पे बजट पे बनी है। और देन उससे पहले की बात करें सबसे टॉप लेवल की मूवी बाहुबली 2, जो कि बनी है 250 करोड़ पर। पर अब सबसे पहले बात करते हैं कि बॉलीवुड में कौन सी मूवी है जो हमें कंपलसरी देखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इकलौती एक मूवी है आमिर खान की अपकमिंग मूवी महाभारत। ये मूवी टोटल 1000 करोड़ में बनेगी, जिसके VFX काफी लाजवाब होने वाले हैं, क्योंकि 2019 में ये सबसे बेस्ट मूवी मानी जा रही है और इकलौती ऐसी मूवी होगी जो कि 3D और प्लस फुल HD IMAX में शायद पॉसिबिलिटी रिलीज हो सकती है। इस मूवी को 1000 करोड़ में इसलिए बनाया जा रहा है कि जिससे कि VFX का जो काम हो वो ज्यादा से ज्यादा बेटर हो और इस मूवी को हॉलीवुड लेवल पर रिलीज करा जाए। तो 1000 करोड़ में महाभारत आमिर खान की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है और बॉलीवुड में शायद इतने लेवल बड़े पर नहीं बन पाएगी। तो 2019 की बॉलीवुड की सबसे बेस्ट मूवी है महाभारत, जो कि 1000 करोड़ बजट में बन रही है, और मेरे हिसाब से आपको इस मूवी को थिएटर में देखना चाहिए। तो गाइस, ये तो रही बॉलीवुड की बात, अब बात करते हैं हॉलीवुड लेवल की। तो हॉलीवुड लेवल में अब तक की सबसे टॉप मूवी आ रही है 2019 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एवेंजर्स एंड गेम। तो ये मूवी बन रही है टोटल 2500 करोड़ की, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि हॉलीवुड में अब तक इतने बड़े लेवल की कोई पिक्चर नहीं बनी है। इससे पहले एक मूवी का नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, वो टोटल 410 मिलियन डॉलर की बनी है, जो कि बहुत बड़ी बात है, बट उसका रिकॉर्ड टूट चुका है, वो तोड़ा है एवेंजर्स एंड गेम ने। और मुझे लगता है कि ये मूवी कमाई के मामले में रिकॉर्ड 100% तोड़ेगी, टिकट के मामले में तोड़ेगी और देन ताबड़तोड़ कमाई करेगी, जो कि अवतार का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। सोचिए आप खुद ही, जब कोई मूवी 2500 करोड़ में बन रही है जो कि सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है अब तक के, तो वो कमाई के मामले में कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी। मुझे लगता है कि अवतार और टाइटैनिक को भी पीछे छोड़ देगी। तो गाइस, ये तो रही बड़े लेवल की मूवी हॉलीवुड बॉलीवुड, यानी कि महाभारत और एवेंजर्स एंड गेम, जो कि काफी बड़े लेवल पे बन रही है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी मूवी की जो कि 2019 में आपको 100% देखनी है, जिनके सीक्वल आ रहे हैं। तो सबसे पहली मूवी का जो नाम आता है वो है फॉर्जन 2। ये मूवी काफी अच्छी है और देन इसका पहला पार्ट भी काफी बढ़िया था, तो आपको इस मूवी को देखना चाहिए। देन उसके बाद है दी एंग्री बर्ड्स 2। ये मूवी का पहला पार्ट भी काफी बढ़िया था, इसलिए इसका सेकंड पार्ट बनाया जा रहा है, जो कि 2019 में आएगी। फिर रहता लीगो मूवी 2। ये मूवी थोड़ी फनी है और देन बच्चों के लिए काफी अच्छी रहती है। फिर देन उसके बाद जुमांजी 3। ये भी मूवी बहुत बढ़िया लगी और देन मैं रॉक का काफी बड़ा फैन हो गया इस मूवी को देखने के बाद। देन उसके बाद टॉय स्टोरी 4। फिर उसके बाद टर्मिनेटर 6, स्टार वॉर्स 9। ये मूवी के सारे सीक्वल आ रहे हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। और देन बात करते हैं कुछ अलग हटके मूवी के बारे में, जैसे कि मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल, गॉडज़िला किंग ऑफ मॉन्स्टर। ये फिल्में ऐसी हैं जो कि आपको थोड़ा एक्शन में दिखने वाली हैं। देन उसके बाद है हाउ टू ट्रेन ड्रैगन्स द हिडन वर्ल्ड। ये मूवी एक आपको अलग एक्सपीरियंस में ले जाएगी और देन इस सीरीज की ये लास्ट मूवी है, तो आपको 100% देखनी पड़ेगी। देन उसके बाद एक नई मूवी अलादीन, जो कि मेरी फेवरेट मूवी है, और देन इसमें हमें कुछ नया दिखने वाला है और अब तक हम कार्टून में जो देखते आ रहे थे वो हमें लाइव एक्शन में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है इनमें VFX काफी कमाल का होता है, क्योंकि जो हम कार्टून में देखते आ रहे हैं अब वो हमें लाइव एक्शन में देखने को मिलेगा, तो कुछ तो चीज होगी अलग। उसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसी मूवीज की जो कि बच्चों के लिए स्पेशल रिलीज हो रही है, जैसे कि द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स। काफी बढ़िया मूवी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका पहला पार्ट जाके देखो, हिंदी में अवेलेबल है। देन उसके बाद डोरा द एक्सप्लोरर, ये एक लाइव एक्शन मूवी है। डिटेक्टिव पिकाचू, ये भी एक लाइव एक्शन मूवी है, और देन इसमें आपको पोकेमोन रियल लाइफ एक्शन में देखने को मिलेंगे। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है 2019 में, और देन हॉलीवुड में हमें काफी कुछ अलग दिखने वाला है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी मूवीज की जो कि सुपर हीरो लेवल की है, यानी कि मैं बात करने वाला हूँ मार्वल कॉमिक, DC कॉमिक्स की और अदर कॉमिक्स के सुपर हीरो के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी में नाम आता है कैप्टन मार्वल, फिर उसके बाद शज़ाम, हेलबॉय, एवेंजर्स एंड गेम, डार्क फीनिक्स, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, द न्यू म्यूटेंट्स, जोकर और लास्ट में सोनिक, जो कि इस साल की लास्ट फिल्म होगी। देन इसके अलावा कुछ मूवीज हैं जो कि मैंने उन्हें काउंट में नहीं करा है, जैसे कि ग्लास, क्योंकि मैंने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। अब बात करते हैं बजट के मामले में जो कि सबसे टॉप लेवल की मूवीज हैं। तो सबसे पहले स्टार वॉर्स 9, जो कि 2000 करोड़ में बनेगी। फिर उसके बाद है द लॉयन किंग, ये मूवी बन रही है डिज्नी की तरफ से 1618 करोड़ में। उसके बाद टॉय स्टोरी 4, जो कि बन रही है 1582 करोड़ में। उसके बाद फॉर्जन 2, ये बन रही है 1258 करोड़ में। देन लास्ट में सबसे टॉप लेवल की मूवी एवेंजर्स एंड गेम, जो कि बन रही है 2500 करोड़ की, जो कि मार्वल फैंस के लिए काफी बड़ी मूवी होगी, और देन मुझे नहीं लगता कि फिर मार्वल स्टूडियो इतने बड़े लेवल की कोई मूवी बना पाएगा।
और गाइस इसमें काफी सारी मूवी मिसिंग है जो कि हॉलीवुड की टॉप लेवल की मूवी है, तो वो मैंने इसलिए मिसिंग कर दी जिससे कि कुछ होमवर्क मैं आपको दूं, यानी कि आप कमेंट सेक्शन में टॉप 10 की लिस्ट बनाओ और जो मुझे सबसे बेस्ट लिस्ट दिखेगी 2019 में जो कि देखने लायक है तो उस कमेंट को मैं पिन करूंगा और प्लस अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी अपलोड करूंगा, प्लस आपको क्रेडिट देके। तो ये काम करो यार, थोड़ा मुझे भी पता चले कि कौन सी मूवी मैंने मिसिंग कर दी जो कि 2019 में देखनी चाहिए। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।